दोस्तों, मुंबई इंडियंस की धमाकेदार जीत और सूर्यकुमार यादव की तूफानी शतकीय पारी पर खुश होते हुए सूर्यकुमार यादव की पत्नी देविशा सेट्टी ने अपने पति सूर्या की दिल खोलकर तारीफ की है। तो आखिरकार मुकाबले के बाद सूर्यकुमार यादव की पत्नी देविशा ने क्या दिया है बयान, दिखाएंगे उनके बयान का पूरा वीडियो। लेकिन उससे पहले आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, मुंबई इंडियंस और गुजरात टाइटंस के बीच खेले गए मुकाबले में केवल एक ही खिलाड़ी नजर आया और वो थे सूर्यकुमार यादव। दोस्तों, कुछ समय पहले सूर्यकुमार यादव का बल्ला बुरी तरीके से खामोश था। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 3 मैचों की वनडे सीरीज में वो 1 रन भी नहीं बना पाए थे। पूरी दुनिया में सूर्यकुमार यादव को जमकर ट्रोल किया गया, लेकिन T20 के बेताज बादशाह कहे जाने वाले इस खिलाड़ी ने ये बता दिया कि आखिर उन्हें मिस्टर 360 डिग्री क्यों माना जाता है। बता दे, ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए भयंकर गुजरात टाइटंस के सामने राशिद खान, मोहम्मद शमी जैसे गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाते हुए सूर्या ने 1-2 नहीं बल्कि कुल 11 बार चौके और 6 बेहतरीन छक्के के साथ तूफानी शतक ठोक दिया। दोस्तों, वो सूर्यकुमार यादव की तूफानी बल्लेबाजी ही थी जिसके दम पर मुंबई इंडियंस ने गुजरात टाइटंस को 27 रनों से हरा दिया। अगर सूर्यकुमार यादव शतकीय पारी नहीं खेले होते तो मुंबई इंडियंस यह मुकाबला हार जाती, क्योंकि राशिद खान इस मुकाबले में 4 विकेट भी लिए थे और तूफानी बल्लेबाजी भी की। राशिद खान ने 4 विकेट लेने के बाद 10 छक्के भी लगाए और एक वक्त तो ऐसा लगा कि ये बल्लेबाज अकेले ही मुंबई इंडियंस से मुकाबला छीन लेगा, लेकिन सूर्या ने पहले ही इतनी खतरनाक बल्लेबाजी करके रनों का ऐसा अंबार लगा दिया जिसके सामने गुजरात टाइटंस ने घुटने टेक दिए। दोस्तों, इस मुकाबले में ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करने के लिए सूर्यकुमार यादव को मैन ऑफ द मैच का अवार्ड भी दिया गया। अब मुकाबले के बाद अपने पति की जमकर तारीफ करते हुए देविशा सेट्टी ने कहा, सच में उनकी बल्लेबाजी देखकर मजा आया। उन्होंने ये बात साबित कर दिया कि उन्हें इतना बेहतरीन बल्लेबाज क्यों माना जाता है। हमारी पूरी फैमिली एक साथ मुकाबला देख रही थी, हमारा दिन बन गया। उनके परफॉर्मेंस से मुंबई इंडियंस जीत गई, इससे बेहतरीन और क्या हो सकता है। उनके भविष्य के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। दोस्तों, सूर्यकुमार यादव की जमकर तारीफ करते हुए उनकी पत्नी देविशा सेट्टी ने जिस तरीके से बयान दिया है, उनका यह बयान काफी चर्चा का विषय बना हुआ है। आपको बता दें, मुंबई इंडियंस के अब 7 जीत के साथ कुल 14 अंक हो गए हैं। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, मुंबई इंडियंस इस साल चैंपियन बन पाएगी या नहीं? आप अपनी राय हमें नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसी ही शानदार खबरों के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।